इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन है और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और रेलवे के थ्रू भारत में डेली 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। इंडियन रेलवे इंडिया लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। भारत सरकार का मेन लक्ष्य देश के कोने कोने को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करना है और रेल ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना है, जिससे लोग आसानी से देश में कहीं भी और कभी भी रेल के थ्रू ट्रेवल कर सके। इसके अलावा इंडियन रेलवे को प्रॉफिट में लाना है, जिससे इंडियन रेलवे और बड़ी बन सके। तो इन लक्ष्यों को पाने के लिए भारत सरकार आने वाले 2-3 सालों में देश में 400 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में और जानेंगे कि फ्यूचर में 400 वंदे भारत ट्रेन कैसे इंडियन रेलवे को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर देगी और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारतीय रेलवे का इतिहास 168 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। भारत की पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। भारत के बंटवारे के बाद रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। आजादी के 4 साल बाद 1951 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवे को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया। वैसे दोस्तों, अगर आपको इंडियन रेलवे के बारे में और डिटेल से जानना है तो उसके लिए आप कुकू FM पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में फादर ऑफ इंडियन रेलवे, रेलवे के बंटवारे, लॉस और उसके फ्यूचर के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा आप लोगों को कुकू FM को इसलिए भी साइनअप करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की ऑडियो बुक्स मिलेंगी, जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, बायोग्राफी। मैं कुकू FM को बायोग्राफी और हिस्ट्री सुनने के लिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे मोटी मोटी बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है। इसके अलावा मैं मॉर्निंग में कुकू FM में दी गई मोटिवेशनल ऑडियो बुक भी सुनता हूं पॉजिटिविटी के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे थ्रू कुकू FM पे रजिस्टर करते हैं और कूपन कोड CPH50 का यूज करते हैं तो आपको कुकू FM के फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिलेगा। मतलब आप 99 रुपए की जगह सिर्फ 49 रुपीज में 1 मंथ के लिए 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक का एक्सेस पा सकते हैं। अगर आप एक बुक खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 500 रुपए खर्च करना पड़ता है, पर कुकू FM पे आप सिर्फ 49 रुपीज में कई सारी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिला है कि BJP गवर्नमेंट तेजी से इंडियन रेलवे को डेवलप और मॉडर्नाइज कर रही है। भारतीय रेल को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार रेलवे के लिए फंड भी ज्यादा निकाल रही है। इस साल भारत सरकार ने रेलवे को रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपीज दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले 51% ज्यादा बजट दिया है और कांग्रेस के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बजट दिया है। इसके अलावा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत से प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं, पर एक प्रॉब्लम को BJP गवर्नमेंट आज तक सॉल्व नहीं कर पा रही है और वो प्रॉब्लम है रेलवे की लॉस की। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 24 से 26 बिलियन डॉलर के बीच घूम रहा है, जिसमें से 80% रेवेन्यू फ्रेट ट्रेन यानी कि माल गाड़ियों से होता है। पैसेंजर ट्रेन से सिर्फ 20% रेवेन्यू इंडियन रेलवे को जनरेट होता है। इंडियन रेलवे को माल गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर पैसेंजर ट्रेन में हैवी लॉस होता है, जिससे इंडियन रेलवे ओवरऑल लॉस में हो जाती है। पैसेंजर ट्रेन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर 1 रुपए पैसेंजर ट्रेन पे खर्च करती है तो उसे 55 पैसे का लॉस होता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि रोजाना भारत में 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को पैसेंजर ट्रेन में लॉस होता है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को पूरे देश में चलाना चाहती है, जिससे इंडियन रेलवे प्रॉफिट में आ सके। अब आप बोलोगे कि वंदे भारत में ऐसा क्या है, इससे इंडियन रेलवे कैसे मॉडर्नाइज हो जाएगी और साथ में प्रॉफिट में आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना होता है और ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे सिस्टम को स्ट्रांग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रांग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। रेलवे सिस्टम के स्ट्रांग होने से प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सामान देश के किसी भी कोने में बहुत ही जल्दी से पहुंच जाता है। इसके अलावा बेटर रेलवे सिस्टम होने से ट्रेवल कॉस्ट कम लगती है। लोग ट्रेवलिंग के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फिर इससे रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो इंडियन रेलवे के रेवेन्यू को आने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो पूरी तरह से भारत में बनी हुई है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसे देने होते।
भारत को एक वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट इस समय सिर्फ 130 करोड़ रुपए पड़ रही है। 130 करोड़ रुपए में अपग्रेडेड वंदे भारत ट्रेन बन रही है, जिसमें तीन क्लासेस हैं, AC1, AC2 और AC3, और साथ में 16 कोचेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट इतनी कम कैसे है, तो इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने खुद ही दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन 100% मेड इन इंडिया है, इसके पार्ट भी इंडिया में ही बन रहे, जिसके चलते वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट यूरोपियन ट्रेन की कॉस्ट से 40% कम है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को बनाने में जो खर्चा आ रहा है, वो सारे पैसे भारत में ही रहेंगे और भारत की कंपनीज को ही मिलेंगे, जिससे भारत में रोजगार बढ़ेगा और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में बन रही है, और भारत में बनने से ये फायदा होता है कि इंडियन रेलवे वंदे भारत में टाइम टू टाइम, लोकेशन टू लोकेशन, डिफरेंट क्लाइमेट और भी बहुत सी चीजों के हिसाब से चेंजेस कर सकती है और सर्विसेज को अपग्रेड कर सकती है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी वंदे भारत अपग्रेड हो रही है। अभी जो न्यू वंदे भारत आई है, उसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो गई है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की न्यू वर्जन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन को भी बीट कर दिया है। वंदे भारत ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 52 सेकंड में अचीव कर ली है, वहीं बुलेट ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर जाने में 55 सेकंड लगते हैं। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन बहुत प्रॉफिटेबल भी है। 2020 में जब वंदे भारत ट्रेन ने एक साल कंप्लीट किया था, तब इंडियन रेलवे ने बताया कि वंदे भारत ने एक साल में 92 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट किया है। उस समय वंदे भारत ट्रेन के फर्स्ट वर्जन को बनाने में 100 करोड़ लगे थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग एक साल में ही निकाल दी थी। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश में लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वंदे भारत ट्रेन कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेड इन इंडिया है। अभी इस समय वंदे भारत 8 रूट पे चल रही है, पर इस साल के अंत तक भारत सरकार 75 न्यू लोकेशन में वंदे भारत को चलाने का प्लान बना रही है। इसके अलावा 2024 तक वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। इसके अलावा 2025-26 तक इंडियन गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन को यूरोप, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बना रही है, क्योंकि ये देश वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि भारत वंदे भारत ट्रेन को बहुत सस्ते के साथ साथ अच्छी क्वालिटी में बना रहा है। इंडियन रेलवे की फ्यूचर की बात करें तो 2020 में इंडियन रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड बढ़ाई जाएगी, न्यू फास्ट स्पीड ट्रैक बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इसके अलावा 600 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 400 पुराने स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसके अलावा आपको आने वाले समय में भारत के कई डिफरेंट सिटीज में बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन इस साल शुरू हो जाती, पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और अब इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन डेट 2028 बताई जा रही है। तो दोस्तों, आने वाले समय में बीजेपी गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर देगी और वंदे भारत की मदद से इंडियन रेलवे को प्रॉफिट में ला देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडियन रेलवे का फ्यूचर कैसा होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अभी इस समय कुकू FM पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी जाओ कुकू FM को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।